नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गूगल मैप को ऑफलाइन यूज कर सकते हो। दोस्तों, अब ऑनलाइन तो हर कोई यूज करता है, लेकिन यदि क्या हो, यदि आप कहीं पर जा रहे हो और वहीं पर आपका नेट चला जाए या फिर आपका मोबाइल में नेट नहीं पकड़ रहा हो, तो उस टाइम आप कैसे गूगल मैप का यूज कर सकते हो। तो ऐसे में होगा कि आपका मोबाइल में नेट नहीं होने के कारण आप मैप का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप गूगल मैप का ऑफलाइन यूज कर सकते हो। ऑफलाइन मैप को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना गूगल मैप ओपन करना है। चलिए मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर राइट साइड में आपका जो प्रोफाइल का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है और जिस एरिया में आपको जाना है उस एरिया को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑफलाइन मैप, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट योर ऑन मैप, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, आपको जिस एरिया से जिस एरिया तक जाना है उस एरिया को आपको पहले ही डाउनलोड करके रख लेना है, तभी जाकर आप ऑफलाइन मोड में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है जहाँ से जहाँ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए डाटा यहाँ पर ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद आपको लोकेशन जो है ऑन कर लेना है। उसके बाद प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करके आपने जो ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया है उस पर जाना है। ये देखिए, ये ऑफलाइन मैप है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जितना बार आपका डाउनलोड हुआ है उतना बार आपका दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जितना बार आपका डाउनलोड हुआ है उतना बार आप देख सकते हैं। जहाँ तक आप जाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए स्टार्ट का जो ऑप्शन दिखेगा इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए, उसके बाद जो है आपका डायरेक्शन बन गया, आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, आपका नेट हो चाहे ना हो। इस तरीके से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं ऑफलाइन के तरीके से। ये रियल टाइम आपको अपडेट नहीं देगा, लेकिन काम अच्छी तरीके से करेगा। जिस रूट में आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है उस रूट में भी आप जा पाएंगे आसानी से। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ऑफलाइन में आपका। आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।